माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उच्चतम स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिक तक पहुंचाने और डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए अनेक स्तर पर कार्य किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना और 9,500 से अधिक जन औषधि केंद्रों से गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं दी जा रही हैं। देश के कोने कोने में स्थापित किए गए एम्स संस्थान एवं नए मेडिकल कॉलेजों से गंभीर बीमारियों में उच्च स्तरीय उपचार मिल रहा है और विश्व का सबसे व्यापक और सफल कोविड टीकाकरण अभियान सरकार की इस मुहिम का हिस्सा रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बहुत ईमानदारी से बहुत कुशलता से कार्य करने का प्रयास किया गया है। राजस्थान के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए, जिनमें से 6 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा धौलपुर, चित्तौड़गढ़, श्री गंगानगर, सिरोही और सीकर में मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया जा रहा है। इन 5 मेडिकल कॉलेजों में तमाम उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं और कुल 1900 बेड्स मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही MBBS की कुल 500 सीटें हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जी द्वारा 7 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, बारा, जैसलमेर और टोंक में किया जा रहा है। 3600 करोड़ रुपए से अधिक लागत के ये 12 मेडिकल कॉलेज देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देंगे नया विस्तार। साथ ही फैल रहा है शिक्षा का प्रकाश। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्रों में एक लव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि जनजातीय समुदाय के बच्चों को उच्चतम शिक्षा मिले। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी द्वारा उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में 6 एकलव्य स्कूलों का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इन स्कूलों में सभी सुविधाएं हैं, जैसे लड़कों और लड़कियों के लिए अलग हॉस्टल्स, स्टाफ के लिए आवास, डाइनिंग हॉल और खेल का मैदान इत्यादि। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जी द्वारा केंद्रीय विद्यालय तिनवरी का लोकार्पण किया जा रहा है। 10 एकड़ भूमि में 23 करोड़ रुपए की लागत से बने विद्यालय में कक्षा 12 तक 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें लगभग 1000 विद्यार्थी अध्ययन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के विकास के लिए केंद्र सरकार का ये उत्कृष्ट प्रयास है।